हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर की क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन छठा चैप्टर पढ़ रहे थे और छठे चैप्टर में खाद्यान्न वाली फसल पढ़ रहे थे। खाद्यान्न वाली फसल में भी गेहूं की क्रॉप्स पढ़ रहे थे। किसकी क्रॉप पढ़ रहे थे? गेहूं की क्रॉप्स पढ़ रहे थे। एक बात बता दूं बेटा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनको साथ के साथ साफ साफ राइटिंग के अंदर अच्छे से नोट्स बनाने और साथ के साथ याद करना है। ये नहीं कॉपी में उतार लिया, रख लिया, काम खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी वीडियो को अच्छे से देखो, उसके नोट्स बनाओ और नोट्स बनाने के बाद उसे आराम से याद करो। आज अपन गेहूं के पादप संरक्षण के बारे में इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। वैसे थोड़ा सा अपन ने पादप संरक्षण पढ़ लिया था कि पादप संरक्षण अपन कीटों के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा? कीटों के बारे में। पहले तो अपन ने पढ़ लिया था शीतोष्ण में क्या नाम से कौन सी ऋतु में उगाते हैं गेहूं को? रबी में उगाते हैं। सर्दी पड़ती है, पाला पड़ता है, उसके लिए क्या पढ़ा था? 0.1% गंधक के घोल का छिड़काव कर देना है। फिर पढ़ा था दीमक के लिए अपन किसका प्रयोग किया था? क्लोरीपाइरीफॉस का प्रयोग किया था। और तीसरा अपन ने पढ़ा था कि थ्रिप्स है, मोइला है, हरा तेल है, इन कीटों की रोकथाम के लिए अपन ने मिथाइल लिमिटान नामक दवा का प्रयोग किया। अब कभी कभार क्या होता है कि इन गेहूं के अंदर चूहे लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं बेटा? चूहे लग जाते हैं। और जो चूहे क्या होते हैं कि गेहूं को काट देते हैं, यानी जगह जगह से गेहूं को क्या कर देते हैं? नीचे से कुतर देते हैं और ढेर लगा देते हैं। अब इन चूहों की रोकथाम के लिए करेंगे क्या? यानी अपने गांव में बहुत सारे टॉनिक बनाते हैं कि क्या नाम से प्रसाद वगैरह भी बोल देते हैं और क्या नाम से और भी सारी इनको रोकने की विधियां अपनाई जाती है। लेकिन फिर भी यदि इनका कंट्रोल नहीं होता है तो अपने को एक एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की गोलियां आती हैं जो बिल के पास क्या कर देना, उनको रख देना चाहिए। लिखो बेटा चौथा पॉइंट, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, यानी चूहों की रोकथाम के लिए चौथा पॉइंट है शायद, चूहों की रोकथाम के लिए किसका? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड आधा ग्राम की गोली आती है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की आधा ग्राम की गोलियों को किसके पास रख देना चाहिए? चूहों के बिलों के पास। गोलियों को बिलों के पास रख देना चाहिए। ये हमारा पादप संरक्षण कीट के बारे में पढ़ रहे थे। ये कीट कंप्लीट हो, अब पढ़ेंगे रोग। क्या पढ़ेंगे बेटा? रोग। ये पादप संरक्षण के अंदर कीट और दोनों ही आते हैं। अब पहला रोग पढ़ेंगे, कौन सा रोग पढ़ेंगे बेटा? पहला रोग पढ़ेंगे अपन झुलसा या पत्ती धब्बा रोग। कौन सा रोग पढ़ेंगे? झुलसा बोल दो, अंग्रेजी में सिर्फ ब्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लाइट। झुलसा या पत्ती धब्बा रोग, झुलसा या पत्ती धब्बा रोग। अब इस रोग में नाम से पता चल रहा है कि पौधे की पत्तियां क्या हो जाती हैं? झुलस जाती हैं और पत्तियों पर क्या पड़ जाते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं। अब इस रोग की रोकथाम के लिए, यानी गेहूं की फसल में इसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए अपन क्या करेंगे कि एक मैनकोजेब नाम की दवा आती है। कौन सी दवा आती है? मैनकोजेब नाम की दवा आती है, जो कब देंगे? जनवरी के प्रथम सप्ताह में। कब देंगे बेटा? जनवरी के प्रथम सप्ताह में 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना के क्या कर देना है? छिड़काव कर देना है।
लिखो इसमें, लिखो गेहूं में पत्ती धब्बा वे झुलसा रोग की रोकथाम के लिए, वे झुलसा रोग की रोकथाम के लिए, रोग की रोकथाम के लिए किसके लिए, गेहूं में पत्ती धब्बा व झुलसा रोग की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे बेटा, वो मैनकोजेब। रोग की रोकथाम के लिए जनवरी के प्रथम सप्ताह में, किसके, जनवरी के प्रथम सप्ताह, किसमें, जनवरी के प्रथम सप्ताह में मैनकोजेब कौन सी दवा आती है बेटा, मैनकोजेब 2 ग्राम, मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से, प्रति लीटर की दर से मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से ऊपर ले देता हूं बेटा, क्या करता हूं ऊपर ले देता हूं, प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए, यानी गेहूं में पत्ती धब्बा या झुलसा रोग की रोकथाम के लिए करेंगे जनवरी के प्रथम सप्ताह में क्या करेंगे, मैनकोजेब नाम की दवा आती है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाएंगे और क्या कर देंगे बेटा, वो छिड़काव कर देंगे। अब पढ़ेंगे रोली रोग, कौन सा रोग, रोली रोग, दूसरे नंबर का रोग है रोली रोग, रोली रोग। अब इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करेंगे कि तीन प्रकार की रोली लगती है, लेकिन अपने किताब में इतना डिटेल से दे नहीं रखा, तीन प्रकार की रोली लगती है, एक तो क्या नाम से काली लगती है, एक भूरी लगती है और एक पीली लगती है, तीन प्रकार की रोली लगती है, लेकिन वो रोली अपने दे नहीं रखा, अपने को सीधा दे रखा है। रोली रोग की रोकथाम के लिए क्या करेंगे बेटा, यानी 25 किलोग्राम किसका प्रयोग करेंगे, गंधक का प्रयोग करेंगे, गंधक का चूर्ण का प्रति हेक्टेयर का दर से क्या कर देना चाहिए, प्रयोग कर देना चाहिए। लिखो रोली रोग की रोकथाम के लिए रोली रोग की रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम गंधक, कितनी, 25 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव कर देना चाहिए, बुरकाव कर देना चाहिए, प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना चाहिए, बुरकाव कर देना चाहिए। अब रोली रोग के बाद पढ़ेंगे अनावृत कंड रोग, कौन सा रोग पढ़ेंगे बेटा, अनावृत कंड रोग, अनावृत रोग या पत्ती कंडवा रोग, तीसरा रोग लिख लो अनावृत रोग या पत्ती कंडवा रोग। अब इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करेंगे, यानी इस रोग के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो रोगी पौधे को काट कर क्या कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए बेटा, जला देना चाहिए, तथा बीजों की बुआई करने से पूर्व एक बीटाबैक्स नाम की दवा आती है, कौन सी दवा आती है, बीटाबैक्स नाम की दवा आती है, जिसका क्या नाम से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से क्या कर देना चाहिए, उपचारित कर देना चाहिए। बीटाबैक्स कितने प्रयोग करेंगे, 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से क्या नाम से बीजों को क्या कर देना चाहिए बेटा, उपचारित कर देना चाहिए। देखो इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही, इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही
इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? जला देना चाहिए। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही रोगग्रस्त पौधे को क्या कर देना चाहिए? उखाड़कर जला देना चाहिए। तथा क्या करना है अपने को? बीजों की बुआई करने से पूर्व बीजों की बुआई करने से पूर्व कौन सी दवा? एक वीटावैक्स नाम की दवा आती है। कौन सी दवा आती है? वीटावैक्स। बुआई करने से पूर्व, बीजों की बुआई करने से पूर्व वीटावैक्स 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, ऊपर लिखता हूं बेटा, प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर देना चाहिए। प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर देना चाहिए। यानी प्रति किलो बीज की दर से क्या कर देना चाहिए? उपचारित कर देना चाहिए। अब चौथा रोग पढ़ेंगे, ईयर कोकल एवं टुंडू रोग। कौन सा रोग? ईयर कोकल व टुंडू रोग। ईयर कोकल एवं टुंडू रोग चौथा रोग है। ईयर कोकल टुंडू रोग लास्ट रोग है। ईयर कोकल टुंडू रोग यानी इस रोग में क्या होते हैं कि गेहूं के दानों की जगह, जो गेहूं के दाने होते हैं ना, उनकी जगह क्या बन जाते हैं? कोकल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कोकल बन जाते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि हजारों अंडे देते हैं, जिसमें जो कृमि होते हैं उसमें क्या देते हैं? हजारों अंडे देते हैं। और इसमें गोंद के जैसा, कैसे? गोंद के जैसा कि चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? गोंद के जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करेंगे? इतने प्रतिशत के घोल का 20% नमक के घोल से किसको उपचारित करना है? हमें बीजों को उपचारित कर देना है। देखो इस रोग में गेहूं के दानों की जगह, इस रोग में गेहूं के दानों की जगह कोकल बन जाते हैं। कोकल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कोकल बन जाते हैं। और कोकल बन जाते हैं तथा इनमें जो क्या होते हैं? कृमि होते हैं। क्या होते हैं? कृमि। जिनमें कृमि हजारों अंडे दे देते हैं। जिनमें कृमि कितने अंडे दे देते हैं? हजारों अंडे दे देते हैं। टुंडू रोग में बालियों एवं पत्तियों में, टुंडू रोग में बालियों एवं पत्तियों में गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ, गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है।
गोंदे से कैसा पदार्थ निकलने लगता है? चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। कौन सा पदार्थ निकलने लगता है? कि गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए, इस रोग की रोकथाम के लिए, इस रोग की रोकथाम के लिए बीजों को 20% नमक के घोल से धोना चाहिए। 20% नमक के घोल से धोना चाहिए। ये हो गया अपने पादप संरक्षण कंप्लीट हो गया, जिसमें अपन ने कीट एवं रोगों के बारे में पढ़ लिया, चार रोग पढ़ लिए और तीन चार तरह के अपन ने कीट पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे कटाई एवं मंडाई। जो गेहूं की फसल है कब पककर तैयार हो जाती है? मार्च अप्रैल में पककर तैयार हो जाती है। तब अपन हंसी की सहायता से क्या कर लेंगे? कटाई कर लेंगे। देखो इसमें कटाई वे मंडाई, कटाई वे मंडाई। गेहूं की फसल कब पक के तैयार हो जाती है? मार्च अप्रैल में। देखो गेहूं की फसल, गेहूं की फसल अप्रैल में नहीं, अप्रैल में नहीं है, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में पककर, मार्च अप्रैल में पककर कब तैयार हो जाती है? मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में पककर तैयार हो जाती है। जब दानों में कितने प्रतिशत नमी रह जाए? जब दानों में 20% नमी रह जाए, जब दानों में 20% नमी रह जाए, 20% नमी रह जाए, जब दानों में 20% नमी रह जाए, तब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। अब बात आती है उपज की। किसकी बात आती है बेटा? लास्ट उपज। किसकी बात है? उपज। अब उपज की, गेहूं की उन्नतशील किस्मों से 50 से 60 क्विंटल, कितनी? गेहूं की जो उन्नतशील किस्में होती हैं उनसे 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज हमें प्राप्त होती है। लिख लो, गेहूं की उन्नतशील किस्मों से, उन्नतशील किस्मों से प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर 50 से 60 क्विंटल उपज प्राप्त होती है। ये हो गई बेटा अपनी गेहूं की क्रॉप कंप्लीट। किसकी क्रॉप कंप्लीट हो गई? गेहूं की क्रॉप कंप्लीट हो गई। कटाई मंडाई पढ़ ली, उपज पढ़ लिया, पादप संरक्षण पढ़ लिया। पादप संरक्षण में कीट रोग थे वो सारे अपन ने इसमें, इस वीडियो के अंदर अपन ने चर्चा कर ली। अब पढ़ेंगे अपन नई क्रॉप, यानी गेहूं कंप्लीट हो गया, अगली क्रॉप पढ़ेंगे बेटा जौ। क्या पढ़ेंगे? जौ। जौ का वैज्ञानिक नाम कौन बताएगा? अरे क्या है जौ का वैज्ञानिक नाम? जौ का वैज्ञानिक नाम होता है बेटा होर्डियम वल्गेयर एल। क्या होता है? होर्डियम वल्गेयर एल। आज नई क्रॉप स्टार्ट करेंगे जौ।
अंग्रेजी में से बार्ले बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा वो? बार्ले, लिख लो अंग्रेजी का वर्ड भी, बार्ले। क्या बोलते हैं? बार्ले, सॉरी बार्ले। जो का वानस्पतिक नाम फोर्डियम वल्गेयर एल, क्या है? फोर्डियम वल्गेयर एल। कुल की कोई समस्या नहीं है, कुल पोएसी या ग्रेवनी। उत्पत्ति स्थान की बात आए, यानी जो उत्पत्ति स्थान है वो इसका है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। क्या है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। सबसे पहले आप डालो वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम। जो का वानस्पतिक नाम है फोर्डियम, फोर्डियम वल्गेयर एल, फोर्डियम वल्गेयर एल। अब आता है इसकी कुल, कुल इसका क्या है? पोएसी या ग्रेवनी, पोएसी या ग्रेवनी। उत्पत्ति स्थान की बात आती है, उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ये तीन चीजें होगी, वनस्पति का नाम फोर्डियम वल्गेयर, कुल क्या हो गया? पोएसिया ग्रेवनी, और उत्पत्ति स्थान हो गया इसका दक्षिणी पश्चिमी एशिया। अब पढ़ेंगे इसका महत्व कि जौ का क्या क्या उपयोग किया जाता है। अरे जौ का दाने के रूप में तो अपन करते ही हैं, और उसका चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है, और दूसरी बात जौ का उपयोग अपन शराब बनाने के लिए भी करते हैं। किस क्या बनाने के लिए करते हैं बेटा? वो शराब बनाने के लिए करते हैं। क्या बनाने के लिए करते हैं? शराब बनाने के लिए करते हैं। और क्या नाम से शराब बनाने के लिए करते हैं? बियर बनाने के लिए करते हैं। फाइबर पेपर बनाने के लिए भी अपन किसका प्रयोग करते हैं? जौ का प्रयोग करते हैं। फाइबर बेड बनते हैं ना, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? जौ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? जौ का प्रयोग किया जाता है। लिखो महत्व, महत्व में लिखो आप जौ का उपयोग, जौ का उपयोग मानव आहार, किसके रूप में किया जाता है? एक तो मानव आहार के रूप में किया जाता है, पशुओं के दाने व चारे के लिए किया जाता है मानव आहार, पशुओं के दाने, पशुओं के दाने व चारे के लिए किया जाता है, यानी जौ का उपयोग मानव आहार के, पशुओं के दाने के लिए और चारे के लिए किया जाता है। जौ का प्रयोग अनेक औद्योगिक पदार्थ, जौ का उपयोग अनेक औद्योगिक पदार्थ, अनेक औद्योगिक पदार्थ, औद्योगिक पदार्थ जैसे शराब बनाने में ऊपर लिखता हूं, जैसे औद्योगिक पदार्थ औद्योगिक पदार्थ अनेक औद्योगिक पदार्थ जैसे शराब बनाने में, क्या बनाने में? शराब बनाने में, फाइबर के बेड बनाने में, फाइबर के बेड बनाने में, यानी शराब बनाने में, फाइबर के बेड बनाने में, बियर बनाने में, बियर बनाने में, तथा
फाइबर पेपर बनाने में किया जाता है, बताओ फाइबर पेपर बनाने में किया जाता है। ये हो गया इसका मैं, यानी जौ का उपयोग मानव आहार में पशुओं के दाने व चारे के रूप में किया जाता है। जौ का उपयोग अनेक औद्योगिक पदार्थ जैसे शराब बनाने में, फाइबर बेड बनाने में और क्या नाम से बियर बनाने में, इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? जौ का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे जलवायु, जौ को कब उगाया जाता है बेटा? अरे रबी में उगाया जाता है ना, रबी में क्या होता है सर्दी होती है, तो कौन सी जलवायु होगी इसके लिए? शीतोष्ण जलवायु। कौन सी जलवायु उपयुक्त रहती है इसके लिए? शीतोष्ण जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है, उपयुक्त रहती है। लिखो जलवायु, जो शीतोष्ण जलवायु की फसल है यानी कहने का मतलब कौन सी सर्दियों की फसल है, कौन सी की फसल है? सर्दियों की, शीतोष्ण जलवायु की फसल है। और क्या नाम से? जौ के अंकुरण के लिए, जौ के अंकुरण के लिए, जौ के अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा पकते समय, अंकुरण के लिए कितना चाहिए? 25 से 30 डिग्री तथा पकते समय, तथा पकते समय, तथा पकते समय 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। यानी जब कौन सी जलवायु की फसल है? जो शीतोष्ण जलवायु की फसल है, और जौ के अंकुरण के लिए कितना तापमान चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। और जब हमारी जौ की फसल की पकेगी तो कितना डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है? 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अब पढ़ेंगे मृदा एवं खेत की तैयारी। क्या पढ़ेंगे बेटा? मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी। अब गेहूं के लिए जल निकास युक्त कौन सी मृदा चाहिए? दोमट मृदा। गेहूं के लिए जल निकास युक्त दोमट या बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। देखो, जौ के लिए जल निकास युक्त, जल निकास युक्त दोमट या बलुई दोमट, दोमट या बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। खेत की तैयारी करते समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, खेत की तैयारी करते समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी पलटने वाले हल से वाले हल से किससे मिट्टी पलटने वाले हल से तथा दो या तीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा हल से तथा दो या तीन जुताई हैरो व कल्टीवेटर से कर देनी चाहिए, हैरो में कल्टीवेटर से कर देनी चाहिए।
कर देनी चाहिए। अंतिम जुताई के साथ पाटा लगाकर मृदा को भूरा एवं समतल बना देना चाहिए। यह हो गई खेत की तैयारी, मृदा एवं खेत की तैयारी। यानी जौ के लिए कौन सी मृदा चाहिए? जल निकास युक्त दोमट या बलुई दोमट मृदा चाहिए। और जब अपन खेत की तैयारी करेंगे तो एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा दो या तीन जुताई किससे कर देनी चाहिए? हैरो या कल्टीवेटर से कर देनी चाहिए तथा अंतिम जुताई के साथ पाटा लगाकर मृदा को क्या कर देना चाहिए? उर्वर एवं समतल बना देना चाहिए। आज की वीडियो में अपन ने बची हुई गेहूं की क्रॉप्स और जौ की क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। जौ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बेटा? पोडियम वल्गेरेल। और इसका कुल होता है ओएसिया ग्रेमिनी। उत्पत्ति स्थान की बात करें दक्षिणी पश्चिमी एशिया। फिर इसका महत्व पढ़ा। जलवायु कैसी चाहिए? शीतोष्ण जलवायु का फसल है। कितना डिग्री सेल्सियस तापमान? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका उपयुक्त रहता है। साथ के साथ नोट्स बनाते जाना। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे।